Welcome in Bollywood Wali Bhai. Stay tuned by subscribing the channel. KUNAL, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में. तो मूवी की बात करें तो फाइनल एग्जिट. जी. हम हॉरर मूवी की कभी बात करते हैं तो कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो तो हॉरर मूवी की जो एक्टिंग है काफी डिफिकल्ट होती है प्ले करने पे. आपको लाइक वी हैव नोन टू यू लाइक अ कॉमेडी रोल. जी. हां, तो इस बार आपने हॉरर मूवी चूज की, कितना डिफिकल्ट रहा? मेरे लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि ये एकदम एक अलग जॉनर है. मैं हमेशा कॉमेडी करता आ रहा हूँ और इस फिल्म में, पर्टिकुलरली इस फिल्म में मेरे बहुत कम डायलॉग्स हैं. मैं कह रहा हूँ कि शायद 50-60 लाइन होंगे पूरी फिल्म में. एंड बट द होल फिल्म इज़ मी एंड माई रिएक्शंस, और पूरी फिल्म रिएक्शंस पे ही चल रही है. तो आई थिंक कि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि सब जो कम्युनिकेट करना है वो आँखों से या एक्शन से कम्युनिकेट करना है, और जो डायलॉग्स हैं बहुत कम हैं. तो हॉरर फिल्म भी विजुअली चलती है, तो आई थिंक वो हॉरर फिल्मों की खूबी भी रहती है. तो मेरे लिए एक बहुत ही, क्योंकि कॉमेडी में क्या है कि आप डायलॉग्स करते हैं, फ़नी लाइन्स बोलते हैं, फिज़िकल कुछ करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, तो वो मुझे करने को नहीं मिला और वो मेरे लिए बहुत ही अजीब था और अलग था. ट्रेलर की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है. जी. गोइंग गुड. तो हम कोई भी हॉरर पिक्चर की बात करें तो उसमें ज़्यादा करके हम देखते हैं राज 3, राज 1, तो उसमें बोल्ड सीन्स ज़्यादा होते हैं. आपकी पिक्चर में ऐसा ज़्यादा हमने देखा नहीं है. नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत है, मगर वो सब स्टोरी के साथ में जा रही है. इट्स वेरी इंट्रिंसिक टू द स्टोरी. हमें बहुत ही अलग किस्म की हॉरर फिल्म है ये. इसकी ये बात भी है कि ज़्यादातर ये फिल्म दिन में शूट की है हमने. हालांकि नाइट सीन्स भी हैं, पर अगर आप हॉरर की बात करेंगे तो जनरली आप सोचते हैं कि नाइट का रहेगा, अंधेरा रहेगा. यहाँ पे मोस्टली रोड पे है, आउटडोर्स है, एंड इट्स मोस्टली डे. तो वो भी एक अलग, यानी कि ऑडियंसेस भी, इट विल बी समथिंग न्यू फॉर देम बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड इट्स ऑल्सो अ रोड फिल्म, यानी कि आई एम ड्राइविंग अलाउंड अ लॉट एंड देयर इज सम हॉरिफाइंग स्टफ अलोंग द वे. तो वो भी एक अलग है. तो इसकी जो टोन भी है वो बहुत ही अलग किस्म की टोन है. स्टैंडर्ड हॉरर फिल्म मैं नहीं कह सकता हूँ, इसीलिए ज़्यादा वो बोल्ड सीन्स जो आप कह रहे हैं इसमें ज़्यादा नहीं है. आपका रिएक्शन है मूवी में, जैसे आप जो भूत बन कार में बैठे हैं. जी जी, वो कुछ ज्यादा ही कुछ वायरल और फेमस हो चुका है थोड़ा. अच्छा. जी जी, लोगों को काफी पसंद आ रहा है, हमने देखा भी है. तो हमने ये भी सुना है कि आपने वेट लॉस भी किया था. जी जी, तो कैसा रहा पूरा जर्नी वेट लॉस का? तो जब ध्वनिल जो डायरेक्टर है मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म करनी है, पर थोड़ा सा आपको शायद 10-15 किलो आपको कम करने पड़ेंगे. मैंने कहा ठीक है. तो वेट लॉस मेरे लिए मुश्किल तो नहीं था. मैं कहता हूँ कि एफर्ट तो लगानी पड़ती है, वो तो हर चीज़ में एफर्ट लगानी पड़ती है, पर आई डोंट थिंक दैट वाज मोर चैलेंजिंग. जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि एक अलग एक्सपीरियंस था, वो मोर चैलेंजिंग था. वेट लॉस तो स्टैंडर्ड, यानी कि डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन करके थोड़ी बहुत हो गई. अब तो मैं ज़्यादा मोटा हो गया हूँ. शूटिंग के दौरान मैं तो इससे पतला था, पर वो दैट वॉज नॉट वेरी चैलेंजिंग. आई थिंक वो जिस सीन की आप बात करें, जो जो गाड़ी में बैठ के, जो जी जी, वो वैसे काफ़ी सीन्स हैं फिल्म में जिसमें मैं डर जाता हूँ, और डर के अलग अलग लेवल्स भी हैं क्योंकि जैसी फिल्म बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डर भी बढ़ता जा रहा है. तो वो मेंटेन करना, वो ग्राफ मेंटेन करना भी मुश्किल था. पर ध्वनिल जो डायरेक्टर थे वो हमारे साथ, तो I mean, he guided me through it, basically. डर का लेवल आपका कब बढ़ जाता है? हॉरर पिक्चर की बात करें, आपको देखना पसंद है? मैं बहुत डर जाता हूँ. मैं कभी कभी मैं देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं एकदम इमर्स हो जाता हूँ फिल्म में. तो मुश्किल रहती है. मगर आजकल मैं नेट पे एक हॉरर सीरीज देख रहा हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स करके, वो बहुत बढ़िया है, और बच्चों के साथ है तो थोड़ा सा सुकून भी मिलता है कि बच्चों के साथ इतना बुरा ना हो, और नहीं भी कर रहे इतना, मगर इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग फिर भी. मगर उससे ज़्यादा मुझसे देखी नहीं जाती है. वो जो ब्लड और गॉ वाला है, वहाँ पे खून निकल रहा है, आँखें निकल रही हैं, वो सब मुझसे नहीं देखा जाता क्योंकि आई एम गेट वेरी क्वीजी, उल्टी आती है. और तो हमारे फिल्म में भी ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ब्लड एंड गॉ. वो
तो आई लव द जॉनर, क्योंकि बहुत ही प्योर फिल्म मेकिंग जॉनर है. और बट समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच. पिक्चर बन रही थी, तो पिक्चर बनने के बाद अब जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो आपकी एक्सपेक्टेशन पे उतरा है ट्रेलर, लाइक संतुष्ट हैं जो जैसा ट्रेलर बन के आया है? जी आई मीन देखिए, ये हमारी फिल्म एक स्मॉल छोटी सी फिल्म है. हॉरर फिल्म की बजट्स भी काफ़ी कंट्रोल रहती है, मगर जितना हम बस क्रिएट कर पा रहे हैं, जितना हमने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेलर भी बनाया है, और गाने भी अभी उन दम मारो करके जो गाना भी निकला है, वो भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है उसके लिए. तो जितना हम बस क्रिएट कर पा रहे हैं, जितना जितने भी हॉरर जॉनर के जो फैंस हैं, उनको रीच आउट करके उनको कहना कि ये फिल्म आ रही है 22 सितंबर को, वो हम कोशिश कर रहे हैं. और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं, हॉरर जॉनर को पसंद करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि लोगों को पसंद है, क्योंकि अभी भी इंसिडियस और एनाबेल और इट और ये सारी फिल्में आर डूइंग सच वंडरफुल बॉक्स ऑफिस नंबर्स. तो होपफुली दिस विल बी द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू ब्रेक दैट बैरियर. देखते हैं. को तो लाइक कॉमेडी रोल से लोग जाने जाते हैं कि जी आप कॉमेडी कमाल की करते हैं लोग, थैंक तो यू. आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं हॉरर से? और कॉमेडी से तो आप करते ही हैं ज़्यादा कनेक्ट, और जी आप तो हॉरर से कितना कनेक्ट कर पाए, और या फिर आगे फ्यूचर में भी करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं. मुझे बहुत मज़ा आया इस ये फिल्म करके. तो मैं किसी एक जॉनर से ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ. हाँ, मैं कॉमेडी करता हूँ और करता रहूँगा, मगर चाहे वो ड्रामा हो, सोशल ड्रामा हो, या हॉरर हो, थ्रिलर्स हो, या कॉमेडी हो, आई थिंक कि एक एक्टर के तौर पे मुझे ये एक्साइटिंग लगता है कि मुझे हर जॉनर में, हर किस्म की फिल्म में मुझे काम करने का जो मौका मिले, और इस बार मिली है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट. और होपफुली फ्यूचर में भी, इफ़ द फिल्म इज स्क्रिप्ट इज़ गुड, डायरेक्टर इज़ गुड, कन्विंसिंग एंड मोटिवेटेड एंड सॉर्टेड, तो मैं हर किस्म की फिल्म करना चाहूँगा. इस बात को कितना मानते हैं कि एक जब बॉडी हम लूज करते हैं तो उसको मेंटेन करना काफी जी, डिफिकल्ट बहुत बहुत मुश्किल है. है? कितना मानते हैं इस बात को? 100% मानता हूँ, क्योंकि जितना मैंने वेट घटाया था फिल्म के लिए, आई थिंक आई लॉस्ट अराउंड 15 किलोज, और उससे 5 किलो वैसे बढ़ गए हैं अभी. तो वो शूटिंग जो फिटनेस रहती है, जो शूटिंग के दौरान जो फिटनेस रहती है, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. मगर मैं ये मानता हूँ कि एक लाइफस्टाइल चेंज जो कहते हैं, यानी कि आप जब खाना देखते हैं, आपका अप्रोच ही बदल जाता है. तो अब मेरा अप्रोच भी बदल गया है बिल्कुल. मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो मुझे खाना मिल रहा है, ये मुझे आखिरी मिल रहा है, यानी कि इसके बाद भी मुझे खाने को मिलेगा. तो वो एटीट्यूड लेके अब मैं खाने को देखता हूँ. और एक्सरसाइज हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ. एंड मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगा कि आई थिंक कि लुकिंग गुड इज़ अ अलग बात है. फिटनेस और हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं. तो आई थिंक कि आप उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो उसी से बढ़ती है. कभी ऐसा मतलब सिचुएशन या कभी ऐसा सोचा है कि लाइक भाई है प्रोड्यूसर है, जी भाई एक बड़ा बहुत बड़ा एक्टर है, आप जी भी एक्टर हैं, सम काइंड ऑफ नॉस्टैल्जी कभी ऐसा फील हुआ? नॉस्टैल्जिक मानिए. मीन्स एक मतलब सक्सेसफुल एक्टर होना, जी भाई एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मुझे जी भी बनना है. वेल देखिए, हर एक यानी हम तीनों के अलग अलग एम्बिशंस हैं. मेरे बड़े बड़े भाई जो हैं, उनको फिल्म प्रोड्यूस करने की से लगाव है, अच्छी चाह है. एंड वो अभी भी कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी करेंगे. मुझे एक्टिंग और डायरेक्शन में दिलचस्पी है, तो फिर मैं वो दोनों, यानी कि आई वुड लाइक टू डू बोथ ऑफ दैट. आदित्य हैज़ हिज ओन एम्बिशंस, तो हर एक के अलग अलग एम्बिशंस हैं. एंड आई थिंक कि हम वो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के बारे में. एंड सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दैट इज पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. विद्या जी कितना सपोर्ट करती हैं सबके एम्बिशंस में और सबका पार्ट बहुत सपोर्ट करते हैं. आई मीन शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक कि वट एवर फिल्म कम्स, वट एवर प्रोमोज कम, ट्रेलर्स कम, शी वॉचिज, वो रिस्पॉन्ड करती हैं. स्पेशली फॉर दिस फिल्म शी वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रेलर, एंड शी हैड वंडरफुल थिंग्स टू से. तो शी ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव. एंड बट मोर देन दैट, वी जस्ट
we are like friends. I mean, we're just, I mean, like, so I think that's the nice thing about it. How much you impressed with her poster and Tumhari Sulu is coming? हाँ आई मैंने टीज़र देखी है एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द टीज़र. आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल टीज़र एंड लोगों को भी बहुत पसंद आया है एंड एंड इट्स लुकिंग वेरी एक्साइटिंग द फिल्म. सो आई एम रियली रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट. जैसे आपने अभी कहा कि मुझे फ्यूचर में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं आप, डायरेक्शन भी करना है जी. तो डायरेक्शन को लेकर कोई ऐसे स्क्रिप्ट या कोई ऐसा थॉट है जो दिमाग में मुझे ये बनाना है? जी है पर अभी उसके बारे में बात करना वुड बी अनफेयर क्योंकि वो है, प्रोजेक्ट्स हैं मेरे मन में पर नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट. रेस्पॉन्स से कितना मतलब संतुष्ट हैं अभी तक जिस तरह से अपनी पिक्चर को पूरा जी टाइम हो चुका है जी कि टाइम आ रही नज़दीक आ रही है कितना खुश हैं रेस्पॉन्स? खुश तो हैं. आई मीन आई थिंक कि जितना हम कर पा रहे हैं हमारी तरफ से हम कर रहे हैं एंड आई थिंक दी ऑडियंसिस जो भी ऑनलाइन जो भी रिस्पॉन्सेज मिले हैं एंड इवन फ्रॉम पीपल हु हैव सीन द ट्रेलर्स तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्सेज वी गॉट. आई होप कि लोग आके इस फिल्म को एक चांस दे एंड दे कम एंड वॉच इट एंड अगर वो हॉरर पसंद करते हैं तो आई एम होपिंग कि लोग आके इसे देखें. यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हॉरर के फैंस हैं तो ज़रूर ये फिल्म जाके देखिए. 22 सितंबर को रिलीज़ हो रही है द फाइनल एग्जिट. गो एंड चेक इट आउट. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट.